तो उसके लिए हमारा भाग्य कुछ नहीं। अब दूसरे के पास धन है, ज्ञान है, रूप है, और हम उसके लालच में, हमें नहीं मिल रहा, तो मन को दुख होता है, चित्त में क्लेश आता है, चिंता बढ़ जाती है। हमें मिलना चाहिए, भगवान आप पर दया करे, आपको भी वो सुख मिलेगा, पर उसके लिए निश्चिंत संकल्प बनाए रखिए, ऐसा भाव बनाए रखिए कि हमें अच्छे रूप का दर्शन हो, अच्छी वाणी का दर्शन हो, अच्छे रस का दर्शन हो। और जब ये सब चीज़ें अच्छे के रूप में हमारे अंदर प्रवेश करती हैं तो हमारे पूरे सिस्टम को शांति प्रदान करती है। आदमी कभी कभी रूप देखने में इतना मजलूम हो जाता है कि वो मुड़ मुड़ कर पूरा घूम के पागल होकर देखता रहता है, उसे सुख लगता है, चलता जा रहा है किधर और देख रहा है किधर, अर्थात रूप के आकर्षण के कारण उसकी गर्दन घूमती जा रही है और वो चल रहा है। आगे से कोई ठुकरा देगा, कोई टक्कर दे देगा, नहीं चिंता रहती, क्योंकि वो सुख में लुप्त हो जाता है। और ऐसे ही रस, जीभा पर जब कोई स्वादिष्ट वस्तु चली जाती है तो उसमें भी लुप्त हो जाता है, फिर उसे ये नहीं रहता कि कितना नुकसान करे, उसमें वो आकर्षित हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा, जैसे आंखों का आकर्षण है, कानों का आकर्षण है, जीभा का आकर्षण है, स्पर्श का आकर्षण है, गंध का आकर्षण है, जो हमारी ज्ञान इंद्रियों को प्रभावित करता है, वो आकर्षण सुखदायी तो है पर थोड़े समय के लिए रहता है, फिर नाराज करता है, फिर परेशानी खड़ा करता है। उसी प्रकार का एक आकर्षण और है, और वो आकर्षण होता है आत्मिक शक्ति, अध्यात्म, ज्ञान और भक्ति, अर्थात भगवत सत्संग। ये ऐसा आकर्षण है कि ये लोगों को खींचता भी है, बुलाता भी है, और ये अंदर प्रवेश भी करता है, पर इसका सुख खत्म नहीं होता है, इसका सुख बना रहता है अनंत काल तक, बहुत समय तक। जितना कोई इस सत्संग का सुख ले सकता है, ये सुख उतना ही प्राप्त होता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। बाकी संसार के वाहवल, संसार के प्रपंच, संसार के आकर्षण का सुख आदमी को मिलता है पर वो खत्म हो जाता है, वो भी सुख है, और जो नहीं खत्म होता वो भी सुख है। पर ज्ञानी लोग निर्णय करते हैं कि जो चीज़ सुख कभी समाप्त ना हो, उसी को ग्रहण करने में अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए। जो खत्म हो जाए उसको ग्रहण करने में ऊर्जा लगाने से कोई अर्थ नहीं है। समय जा रहा है, ऊर्जा जा रही है, आपका बाहुबल्य प्रतोष जा रहा है, आपकी आस्था जा रही है, और उसका परिणाम क्षण भर है, कम समय है। भगवत प्रेमी इन बातों का सही निर्णय कर लेते हैं, जिनके पास में बुद्धिता है, चिंतन है, विवेक है, वो सोच लेते हैं कि जब समय ही देना है तो फिर क्षण भर के सुख के लिए क्यों दे। और वैसे ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या ऐसी है जिनके पास में ये चिंतन नहीं कि हम ज्यादा समय किसको दें, क्योंकि अधिक संख्या के जीव मनुष्य ऐसी वस्तुओं में, ऐसे कर्मों में समय व्यतीत करते हैं, व्यर्थ करते हैं, जिनका परिणाम बहुत छोटा और कम समय के लिए रहता है। उनको उसमें भी सुख है, उन चीजों में भी सुख होता है, ये बिल्कुल सही है, पर वो सारा सुख थोड़े समय का है। भगवान करे ऐसी बुद्धि न हो किसी की कि थोड़े समय के सुख के लिए कोई लालायित रहे, प्रेरित रहे, आस्थावान रहे और प्रयत्नशील रहे। जो समय आकर कभी न जाए, ऐसे सिस्टम के लिए प्रयत्न करो, लालायित रहो, शीलवान रहो, गुणवान रहो, कर्मवान रहो, ऐसी जगह पर आस्था निश्चित करो कि जो जगह हमें परमानंद से, परम सुख से और परम पिता परमात्मा के परम योग से जोड़ दे। और जब हम उस परम से जुड़ते हैं तो हम ही परम पदी, परम गुणी, परम योगी हो जाते हैं।
भगवान की संपदा हमें प्राप्त हो जाती है, भगवान का ऐश्वर्य हमें प्राप्त हो जाता है। और भगवत्ता करे, भगवान करे कि आपको ये सुख मिले। ज्यादा समय उसमें लगाइए जिससे तुम्हारी रूह का अर्थात आत्मा का तुम्हारा कल्याण हो। इंद्रियों का कल्याण हो जाएगा क्या? नहीं। कितनी भी आंखों में काजल लगा लो, सुंदर दिख सकती है पर उसका उद्धार होने वाला नहीं है। और कितने भी बढ़िया बढ़िया सेंट अपनी नाक के आगे लगा लो, उसे सुख मिल सकता है पर उसका कल्याण नहीं हो सकता। बढ़िया से बढ़िया मधुर भजन कीर्तन अपने कान में स्मरण करो, याद रखिएगा, पर सुख भी और कल्याण भी दोनों प्राप्त हो जाएगा। क्यों? ब्रह्म गतेन सुधान शब्दम। ब्रह्म की वाणी आदमी का दोनों ही काम करती है, उसे क्षण सुख भी देती है और उसे चिर सुख भी देती है, लंबा सुख, कल्याण सुख। इसलिए अपने मधुर कानों में मधुर संगीत के स्वर खनकान करिए। और जब बढ़िया स्वर कानों में गूंजते हैं तो कान प्रसन्न हो जाते हैं, मन चित्त सत्य हो जाता है, निर्मूल निरंजन निर्लेप हो जाता है। और जब उपासना अर्थात संगीत, संगीत का दूसरा नाम उपासना है, उपासना का दूसरा नाम है भक्ति, भक्ति का दूसरा नाम है साधना, संयुक्ता, नजदीकी, समीपता, उपस्थानम उपासितम तदो भेद। सामवेद कहता है कि जो प्राणी संगीत में लुप्त है, संगीत में रस, जिसके कानों में मंत्र जैसा स्वर जा रहा है, उस व्यक्ति को आनंद मिलेगा। परम व्योरम परमेश्वरागते सुच परमम धारयाणि धारणम त्वा शब्दो नगते मंत्र। स्मृति कहती है कि जीवन में मंत्र ऐसी शक्ति का नाम है जो प्राणी के अंतर आत्मा को भी प्रभावित करता है, प्रसन्न करता है, आनंदित करता है। जिसका अंतर मन आनंदित हो गया वही व्यक्ति कल्याण के मार्ग पर चल पड़ा, ऐसा समझ लेना चाहिए। जिसे अंदर का आनंद है, संतोष है, धैर्य है, समझ, वो अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़ा। याद रखिए, दुनिया भर के मंदिर करना, दुनिया भर की पूजा करना, दुनिया भर के और तंत्र मंत्र करना, पर संतोष नहीं है, धैर्य नहीं है, कहीं जीवन में कोई विराम नहीं है, तो समझो ये अध्यात्म प्राणी नहीं है। ये एक नियम पूरा कर रहा है संसार का, किसी से सुन लिया है इसने सत्संग वगैरह, ये किसी से इसने कुछ जान लिया है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, ये फल है उसका, तो उस फल के लालच में ये आदमी भक्ति का नाटक कर रहा है, भक्ति जैसी कर रहा है, भक्ति नहीं, भक्ति जैसी, मंत्र जपता है, ध्यान में बैठ जाता है और उपासना जैसे आंख बंद कर लेता है और बैठे बैठे पद्मासन पर भगवान को भजता रहता है और बाद में कहीं पुण्य धर्म दान योग भक्ति ये सब कर लेता है, पर विराम नहीं है जीवन में, विश्राम नहीं है जीवन में, धैर्य नहीं है जीवन में, संतोष नहीं है जीवन में। तो भाई देखो, शिव कथा लिखने वाले वेदव्यास जी कहते हैं, न तो धैर्यम न गतो सुखम, धैर्य के बगैर सुख कभी उपजता नहीं है। आदमी के जीवन में धैर्य आ जाए, संतोष आ जाए तो सुख ही सुख है। और जब उसके जीवन में ये दोनों ही चीज नहीं है, तीसरा उसके जीवन में परिवर्तन समझ नहीं है, तो सुख ही नहीं हो सकता। वो सुख को लेके भागता रहेगा, सुख को लेके भागेगा, सुख को लेके भागता रहेगा पर सुखी नहीं रहेगा, सुख को ढूंढता रहेगा। सुख है, सुख लदा हुआ है, दुनिया भर का सुख जेब में लेके घूमता है, चेक अगर लिख दिया तो करोड़ भी लिख सकता है, इतना सुख लेके घूम रहा है पर सुखी नहीं है। और दुनिया भर की लाखों की गाड़ी में बैठा है, उसके नीचे भी सुख है गाड़ी, पर सुखी नहीं। क्यों? संतोष नहीं है, इसीलिए गाड़ी भी उल्टी पड़ रही है उसके लिए और वो चेक भी उल्टा पड़ रहा है। देखो, अब चेक आपकी जेब में लिखा है, आपके पास में सुख का क्या कमी है? कोरा कागज लिखा है, जितना चाहो साइन मार दो और कितना भी सुख भर दो उसमें,
दुनिया भर